discuss about the construction and working of meter bridge. Today we are going to discuss about meter bridge. Meter bridge is an electrical device used to find the unknown resistance. किसी unknown resistance को find out करने के लिए हम लोग इस electrical device का use करते हैं. It is an electrical device used to find the unknown resistance. ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता है. दिस मीटर ब्रिज वॉज डिजाइन बाय साइंटिस्ट व्हीटस्टोन्स. इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ Wheatstone bridge network, or we can say simply Wheatstone bridge. तो ये Wheatstone bridge का modified form है जिसको नाम दिया गया meter bridge, जिसको नाम दिया गया meter bridge. And this meter bridge is used to find the unknown resistance. This meter bridge is also used to find the resistance of galvanometer also. But before finding the resistance of galvanometer, let us find out the unknown resistance. But for that, we must know the construction of this meter bridge. Meter bridge ka construction pata hona chahiye. To meter bridge mein ek wooden plate liya jata hai. Ek wooden plate hota hai. To wooden plate near about 1.2 to 1.5 meter ka hota hai. क्योंकि उसमें 1 meter का तो वायर ही यूज किया जाता है. तो उस वुडन प्लेट के ऊपर ऐसा वुडन प्लेट होता है, तो नियर अबाउट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1.5 मीटर का, समझ लीजिए 1.3 टू 1.5 मीटर का होता है. तो जैसे तो वो वुडन प्लेट हो गया, उस वुडन प्लेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाता है. तो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा देखो. ये वुडन प्लेट हो गया, इस वुडन प्लेट के ऊपर दो एल शेप की और एक स्ट्रेट मेटल स्ट्रिप लगाया जाता है. मतलब ऐसा वुडन प्लेट है तो जो स्ट्रिप लगाया जाएगा वो हॉरिजॉन्टली लगाया जाएगा, ऐसा वर्टिकली नहीं रहेगा, ऐसा खड़े नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा हॉरिजेंटल प्लेन में रहेगा, इन द प्लेन ऑफ दिस वुडन प्लेट. तो हम लोग यहां पर ये एल शेप प्लेट लगा रहे हैं, मेटल प्लेट लगा रहे हैं. मेटल प्लेट हो गए, इसके बीच में एक और मेटल प्लेट होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है. ठीक है, और इनके बीच में एक वन मीटर का वायर होता है.
वन मीटर का वायर होता है, ये वन मीटर वायर हो गया, और इसके नीचे ही एक स्केल भी होता है। स्केल पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, ये स्टार्ट होगा जीरो से और 100 सेंटीमीटर तक रहेगा, मतलब एग्जैक्टली स्टार्ट होगा पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर इस तक, मतलब ये वायर बराबर 100 सेंटीमीटर का रहेगा। नाउ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, इस पॉइंट को यहाँ पर बी दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा जो इस गैप में जोड़ा जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये मीटर ब्रिज हो गया। मीटर ब्रिज में इतना ही होता है, एक वुडन प्लेट होता है, उसके बाद में दो एल शेप्ड और एक स्ट्रेट वाला मेटल स्ट्रिप जो है इस वुडन प्लेट के ऊपर हॉरिजेंटल कंडीशन में रखा जाता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में रखा हुआ है, और दो एल शेप्ड मेटल प्लेट के बीच में एक वन मीटर का वायर होता है, 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, और जैसे ए पॉइंट है और दूसरा सी पॉइंट है तो जो स्केल मार्क्ड होगा वो एग्जैक्टली ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक होगा जो 100 सेंटीमीटर का होगा। सो जीरो मार्क इज एट द ए एंड 100 मार्क इज एट द सी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बराबर मेजरमेंट हो जाएगा, मतलब इसमें हम लोग एक्यूरेट लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब हम जो इसमें कनेक्ट करेंगे तो अपने एम के अकॉर्डिंग कि हमको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो अभी फिलहाल हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग अब जो सर्किट बनेगा वो एक्सटर्नल होगा, वो मीटर ब्रिज के बाहर का होगा। मीटर ब्रिज में सिर्फ इतना ही होता है, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए वुडन प्लेट, टू एल शेप्ड एंड ए स्ट्रेट मेटल स्ट्रिप, दे आर प्लेस्ड horizontally or we can say in the plane of this wooden plate, and a wire having the length 100 centimeter and a meter scale, matlab wooden plate ek, metal strip do, wire teen aur scale char, ye char cheeze us meter bridge mein hoti hai। now left gap mein हम लोग उस रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे जिसका वैल्यू निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय एक्स, राइट में हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं जहां से अननोन रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना होता है, जहां से हमको अननोन रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना होता है, ऐसा वहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, ये नॉन वैल्यू रहेगा, this is known and this is unknown resistance, this is known resistance selected from or choose from this resistance box। now meters, this 1 meter wire is connected to a cell of EMF E along with key and rheostat RH, this is the construction, this is the construction of meter bridge, ye meter bridge ka construction ho gaya hai। left gap mein humne us resistance ko joda jiska resistance nikalna hai, मतलब वो अननोन रेजिस्टेंस है, तो जिसका रेजिस्टेंस निकालना है उसको लेफ्ट गैप में जोड़ते जाना, और राइट गैप में आपको नॉन रेजिस्टेंस को जोड़ना है। ये जो सर्किट है, इस सर्किट को आप लोग सेल अलोंग विद की और रियोस्टेट के साथ में जोड़ देना, सेल की और रियोस्टेट दे आर इन सीरीज,
दे आर इन सीरीज. इसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा. ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन ए और सी के बीच में कनेक्ट होगा. सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में एक और चीज है, यहां से हम लोग एक वायर लेंगे, गैलोनोमीटर पे जोड़ेंगे और गैलोनोमीटर से एक वायर निकलेगा जो एक मेटल पेंसिल पे जाएगा जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं जॉकी. इट इज कॉल्ड एज जॉकी. इसको हम लोग जॉकी कहते हैं. एक ऐसा मार्कर जैसा एक मेटल पेन होता है या पेंसिल बोलो, और उसके साथ में ऐसा कॉन्टैक्ट रहेगा और उसको बस वायर के ऊपर टच करना होता है. इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है. तो इसका मतलब यहां पर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का बैलेंसिंग कंडीशन यूज करेंगे. एंड व्हाट इज द बैलेंसिंग कंडीशन? तो बैलेंसिंग कंडीशन वहां पर दिया था हमने R1 by R2 is equal to R3 by R4. These are the three known resistances and this is the unknown resistance that we have to find here. मतलब ये रेजिस्टेंस जो है वो X हो गया. ये रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से लेंगे और R3 और R4 जो है वो वायर से लिया जाएगा. व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था ए सी बी डी. इन दोनों के बीच में गैलोनोमीटर लगा दिया हमने और ए को सेल की और रियोस्टेट के साथ में लगाया. तो देखिए इसमें यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपने इसको R1 लिखा था, इसको R2, इसको R3 और इसको R4. ठीक है, ए और बी के बीच में R1. देखिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है, इनके बीच में एक गैप है तो यहाँ पर R1 आ गया जो अभी X है. बी और सी, ये बी है और ये सी है, इन दोनों के बीच में गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया जो कि R2 है जो कि हमारे लिए नोन रहेगा. ए और डी, तो डी पॉइंट हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं, कैसे वायर से लेने वाले हैं और कैसे लेने वाले वो देखेंगे. फिलहाल मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, दिस इज डी पॉइंट. मतलब ए और डी के बीच में, और डी के बीच में आप R3 ले रहे हो, मतलब यहाँ से आपको R3 सिलेक्ट करना है. मतलब ए से लेकर डी जो वायर है उस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा. मतलब जो R3 आप रेजिस्टेंस लेते थे दिस इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द वायर. ये वायर से, ये जो रेजिस्टेंस है ये वायर के रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो गया. देन सी और डी जो है, सी और डी के बीच में हम लोग R4 लेते हैं जो कि अननोन रेजिस्टेंस है. तो यहाँ पर आपको स्पेशल में R3 R4 लेना पड़ता था, रेजिस्टेंस लेना पड़ता था. अभी क्या होगा, ये रेजिस्टेंसेस आपको डायरेक्टली उस वायर में से मिल जाएंगे. तो आपको सिर्फ एक अननोन और एक नोन की जरूरत पड़ेगी, बाकी दो रेजिस्टेंस जो है वो वायर से मिलेंगे. एंड इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म. यही मॉडिफाइड फॉर्म है कि आपको R3 R4 अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आप वायर से ही ले सकते हो. अब कैसे लेंगे वो देखते हैं. तो ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गया. तो आपको R3 और R4 कहां से निकालना है? वायर से. अब कैसे निकालेंगे तो देखिए, दिस R1 इज X यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन. अब बैलेंसिंग कंडीशन कब यूज किया जाएगा? तो बैलेंसिंग कंडीशन तो तब यूज किया जाएगा ना जब गैलोनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा. तो क्या करना पड़ेगा? तो आप सबसे पहले इनिशियली जॉकी को टच करो ए पे, ए पॉइंट. जब यहां पर आप टच करोगे तो गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा. समझ लो कि वो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन आ रहा है.
बाद में फिर जॉकी को टच करो बी पे, समझ लो राइट पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो यहां पर टच करने से लेफ्ट में आ रहा है, यहां पर टच करने से गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्शन बता रहा है। इसका मतलब बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टच करने पर जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए, नल डिफ्लेक्शन आ जाए। तो हम यहां पर जो यूज करते हैं वो है नल डिफ्लेक्शन मेथड, मतलब वायर से ऐसा पॉइंट निकालते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा, इसका मतलब बी का पोटेंशियल और इस पॉइंट पर वायर के किसी एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा। समझ लो मैंने जॉकी को यहां पर टच किया, यहां टच किया और गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन अगर दिखा दिया, दैट मीन्स एट पॉइंट डी जी शोज जीरो डिफ्लेक्शन, अगर जी जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है, इसका मतलब आप लोग क्या कहोगे, वी बी इज इक्वल टू वी डी कहोगे ना। तो वी बी इज इक्वल टू वी डी अगर आपने कहा तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ, इसका मतलब इस ब्रांच में बी और डी, बी डी ब्रांच में पास होने वाला करंट जीरो रहेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज द बैलेंसिंग कंडीशन। तो यही से हमको फार्मूला मिलता है आर वन बाय आर टू, फार्मूला मिलता है आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर, ये फार्मूला मिलता है। तो यहाँ पर आर वन के जगह पर हमने क्या लिखा एक्स, आर टू के जगह पर क्या लिखा आर, मतलब अभी ये अपना रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब नॉन रेजिस्टेंस होगा। आर थ्री कहाँ से लेना पड़ेगा, यहां से, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एडी, और ये होगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ बीसी। तो जब आप बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड, मतलब जी गैल्वेनोमीटर जी का डिफ्लेक्शन जब जीरो हो जाएगा तो उस वक्त डी पॉइंट को, डी पॉइंट तक लेंथ को मेजर करना, ए से लेकर डी और डी से लेकर सी। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, कैसे, तो ये रेजिस्टेंस ए डी और ये रेजिस्टेंस डी सी। इफ सिग्मा इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड यू नो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर एंड सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ ए से लेकर डी तक का ले रहे हो तो इधर का लेंथ आप एल एक्स ले लो क्योंकि वो एक्स के तरफ है, तो इस लेंथ को मैं एल एक्स से डिनोट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर मिलेगा आर ए डी इज इक्वल टू सिग्मा इन टू एल एक्स। इन द सिमिलर मैनर सिग्मा इज इक्वल टू आप आर बी सी अगर लेते हो तो इस तरफ का जो लेंथ है वो आप, मतलब लेंथ किसका, बी से लेकर सी वायर का, आप यहाँ पर एल आर ले लो तो आपको मिलेगा आर डी सी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल आर, जिससे आपका इक्वेशन बनेगा एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा एल एक्स अपॉन सिग्मा एल आर, सिग्मा सिग्मा के आंसर यू विल गेट एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर एंड हेंस एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स एल एक्स अपॉन एल आर एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, और दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स एल एक्स लिखा आपने, ठीक है एल एक्स आपने ये वाला निकाला, एल एक्स निकालने के बाद में बचा हुआ क्या रहेगा 100 माइनस एल एक्स, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 100 माइनस एल एक्स
and in this way we can find out the unknown resistance by using the meter gauge. ये तो तब follow होगा जब आपको galvanometer zero deflection बताएगा. और galvanometer zero deflection तब बताएगा जब आप उस वायर के ऊपर ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करोगे जिस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो बी पोटेंशियल के बराबर रहेगा. बी पर जो पोटेंशियल रहेगा उसके बराबर रहेगा, क्योंकि जब आप ई को क्लोज करोगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा. सर्किट में जब करंट फ्लो होगा तो आपको कई जगह पर पोटेंशियल मिलेगा, तो वैसा बी पर भी एक पोटेंशियल तैयार होगा. तो इस पोटेंशियल को मैंने यहाँ पर पहले चेक किया था, ए पॉइंट पर टच किया था, गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन बता रहा था, समझ लो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल इक्वल नहीं है. फिर मैंने सी पर टच किया था तो वहाँ पर भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, समझ लो राइट साइड में, तो इसका मतलब बी और इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन सेम, पोटेंशियल सेम नहीं है. तो यहाँ पर टच करने से लेफ्ट, यहाँ पर टच करने से राइट अगर जा रहा है तो बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर वो जीरो पे दिखाएगा. तो मैंने यहाँ पर टच करते हुए आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया. जैसे डी पॉइंट आया, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन बता दिया, मतलब नल डिफ्लेक्शन बताया, इसलिए मैं इसको नल डिफ्लेक्शन मेथड कह रहा हूँ. इसको नल डिफ्लेक्शन मेथड कहा जाता है क्योंकि जीरो पर आया. जैसे ही जीरो पर आया उस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया, इसका मतलब डी जो है वो बैलेंसिंग पॉइंट हो गया और ए डी जो है वो बैलेंसिंग लेंथ हो गया. तो एल एक्स बैलेंसिंग लेंथ जो कि एक्स के साइड में है और एल आर जो लेंथ है वो आर के साइड में, मतलब रेजिस्टर बॉक्स के साइड में. तो इस प्रकार से आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा, इसका मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल उस डी पॉइंट के बराबर का होगा. तब जाकर आप विस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क का बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये मीटर ब्रिज जो है वो इस विस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क का मॉडिफाइड फॉर्म है. तो इसी के कंडीशन को हमने यहाँ पर यूज किया, लेकिन वहां पर क्या करते थे, आर थ्री और आर फोर एक्स्ट्रा का रेजिस्टेंस लेते थे. अभी हमने क्या किया, R3 R4 को रिप्लेस किया वायर से, तो कुछ पार्ट जो है वायर का वो R3 रेजिस्टेंस देगा और रिमेनिंग पार्ट जो है वो R4 रेजिस्टेंस देगा. तो रेजिस्टेंस भी दे रहा है कैसे, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ बाय यूजिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ होता है. तो अब आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस को रिप्लेस किसने किया, लेंथ ने. तो जस्ट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, फॉर्मूला देखो कैसा बन रहा है, एल एक्स अपॉन एल आर, मतलब R1 के जगह पर X आ गया, R2 के जगह पर R आ गया जो कि नोन है. अब R3 के जगह पर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे, लेंथ ले रहे. R4 के जगह पर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे, लेंथ ले रहे. तो इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ आपको एक अननोन लेना है और एक नोन रेजिस्टेंस लेना है. और विस्टोस में क्या करते थे, एक अननोन तीन नोन. यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, एक अननोन तो एक नोन. सो इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द विस्टोस ब्रिज नेटवर्क. So in this way, we can find out the unknown resistance by using the meter bridge, as well as we can find out the resistance of galvanometer by using the Kelvin method. वो साइंटिस्ट केल्विन ने मेथड दिया था जिससे मीटर ब्रिज का यूज करके हम लोग galvanometer का resistance find out कर सकते हैं.